आप देख रहे हैं NHI News, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रदेश में प्रकाश ने पाया सातवां स्थान, बिरसिंहपुर पाली। मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी स्कूल का आज परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें उमरिया जिले के पाली शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र प्रकाश नायक ने सफलता प्राप्त करते हुए प्रदेश में सातवां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि प्रकाश के पिता कृषि कार्य करते हैं, जो अपने पुत्र प्रकाश की इस कामयाबी से काफी खुश हैं। इन्होंने प्रकाश की आगामी पढ़ाई के लिए सरकार से मदद की अपेक्षा की है। छात्र प्रकाश का कहना है कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, जिसके लिए उसने तैयारी कर रखी है। हम आपको बता दें कि प्रकाश उमरिया जिले के ग्राम चंगेरा का रहने वाला है, जो अत्यंत गंभीर परिवार का छात्र है। प्रकाश अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता व समस्त विद्यालय परिवार को देते हुए कहा, उसके अध्यापन कार्य में सभी का योगदान रहा। वहीं इस संबंध में जिले के आदिवासी विकास विभाग के सहायक उपायुक्त आनंद राय सिन्हा ने छात्र की प्रशंसा करते हुए भविष्य में शासन से मिलने वाली सहायता प्रदान करने की बात कही। उल्लेखनीय है कि छात्र प्रकाश को परीक्षा में करीब 94% अंक प्राप्त हुए हैं। उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रकाश नायक है। कहाँ पढ़ते थे आप? मैं एक्सीलेंस विद्यालय बिरसिंहपुर पाली में मैंने अपनी पढ़ाई की है। आज ये सफलता मिला है, कितने अंक आपको अर्जित हुए? जी, मेरे को 500 में से 469 अंक प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि 93.8% है। क्या किसको श्रेय देना चाहेंगे और कैसे आपने ये पढ़ाई और ये तैयारियाँ की? मेरे माता पिता कृषि कार्य करते हैं। मेरे माता पिता कृषि के अलावा और कुछ श्रेय नहीं है। मैं इनका श्रेय अपने माता पिता को और अपने टीचर्स को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरे को ऐसी गरीबी मुसीबत में भेजा, और मैं उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरी जिससे कि मेरी आगे ये यहाँ तक पहुँचा और मेरी पढ़ाई हो सकी। और मेरे टीचरों ने मेरे को बहुत सहयोग दिया, मेरे को पढ़ाई में जहाँ भी दिक्कत हुई उन्होंने मेरे को सहयोग दिया और मोटिवेट किया मेरे को। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता एवं अपने विद्यालय के सभी स्टाफ को देना चाहता हूँ। आगे क्या तैयारी है? मैं आगे, मेरे लक्ष्य है कि मैं कलेक्टर बनूंगा। इसके लिए मैंने आर्ट सब्जेक्ट चूज़ किया था, क्योंकि आर्ट में PSC की अच्छी मैं कोचिंग आसानी से कर सकता था। इसके लिए मैं इंदौर से कोचिंग कर इंदौर में अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ, PSC करना चाहता हूँ मैं। अभी हाल में जैसे आपके माता पिता कृषि पे आधारित हैं, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई को लेकर भी काफ़ी परेशानियाँ? जी बिल्कुल, बहुत परेशानी आती है, लेकिन मेरी सोच है कि मैं कलेक्टर बनूँ। यही है कि अब कैसे बनी मंजूरी करके हमने पढ़ाया है, अब बोल रहा है कि हम कहीं पढ़ने चाहते हैं, तो कुछ हमको सरकार घर से भी कुछ मदद मिलना चाहिए। तो आप कृषि जैसे करते हैं, तो इसमें उसके पढ़ाई का खर्चा निकल पाता है? जैसे वो वहाँ रह के पढ़ता है, उसके अलावा भी जो अन्य खर्चा है, कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप? तो वहीं हॉस्टल में खाते पीते रहे। नहीं तो आप लोगों का जीविकोपार्जन कैसे चल रहा है कृषि? बहुत समस्या से ऐसी बनी मंजूरी, अपने करते खाते रहते रहे ऐसे। क्या मांग करते हैं शासन से आप? शासन से यही मांग करते हैं कि बच्चा पढ़ने चाहते हैं तो हम भी ऐसे साथ देना, वो भी साथ दे दे थोड़ा तो अच्छा रहेगा। नायक 2016 से हमारे हॉस्टल के स्टूडेंट है, और ये विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति के लोग हैं, और बहुत ही अद्भुत अचीवमेंट इस बच्चे ने किया है। इससे मैंने हॉस्टल में जब आता था तो एक दो बार इंटरवेंशन भी किया है मैंने, तो ये बच्चा पढ़ने में बहुत ही प्रखर, और इसका जो आउटपुट था, जो उसका कॉन्फिडेंस था, दैट वाज वेरी गुड। और इसका मेरिट में आना और 7th रैंक प्राप्त करना और आर्ट्स लेके इतने अच्छे मार्क्स लाना अपने आप में कमाल है। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि ये जहाँ जितना पढ़ना चाहेंगे हमारा विभाग और आनंद राय सिन्हा इनकी मदद करेगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिए।